أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. كل बात यहाँ पर चल रही थी कि जो पहली आयत पढ़ी गई है इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक से कि एक वाक़े के तहत उतरी है ये। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस्मान इब्न अबी तलहा से चाबी लेकर खाने काबा को खुलवा कर अंदर गए और नमाज के बाद जब आप वापस तशरीफ़ ले आए तो आपके ज़बान मुबारक पर यह आयत थी। हज़रत उमर फरमाते इससे पहले मैंने कभी भी इस आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना नहीं था। नतीजा ये निकला कि गोया कि ये आयत ख़ास खाने काबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आप इस आयत को पढ़ते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए और ये हुक्म दिया कि उस्मान को बुला कर ले आओ। जब हज़रत उस्मान आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले वो चाबी दोबारा कर दी जो उनके पास थी। गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत पर अमल करते हुए अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको पूरा किया बाहर आकर। वजह ये थी कि हज़रत उस्मान ने जब ये चाबी आपको दी थी तो ये कहते हुए दिया था ये अमानत मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं। हालांकि जाब्ते के एतबार से ये अमानत नहीं थी। अल्लाह के नबी को इख्तियार हासिल था कि वो जिसे चाहते दे देते जो चाहते करते लेकिन अमानत सूरतन थी हकीकतन नहीं थी। कुरान पाक ने सूरतन अमानत जो थी उसको भी अमानत मानकर वापस करने का हुक्म दिया वरना हज़रत अली हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये सारे लोग भी मौजूद थे वहाँ पर और इन हजरात का मुतालबा था कि चूँकि पानी पिलाने की जिम्मेदारी खाने काबा की हमारे ज़िम्मे है दूसरी बहुत सारी खिदमतें हमारे दिन में है इसलिए चाबी भी हमें हमारे कर दी जाए ये मुतालबा भी था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम हजरात के मुतालबात को रद्द कर दिया और इस आयत की तामील में चाबी हज़रत उस्मान इब्ने अबी तलहा के हवाले की। समझ में आई बात? ये तो था इस आयत का शान नुज़ूल उतरने का वाक़या और इस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कि आयत भले ही किसी ख़ास वाक़े के तहत नाजिल हुई हो किसी ख़ास शख्स के लिए उतरी हो लेकिन उसके अंदर जो हुक्म होता है वो क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों के लिए आम होता है।
समझ में आई बात। इसलिए ये आयत भी भले उतरी है खास वाकये के तहत, लेकिन हुक्म जो इस आयत पाक के अंदर है वो कयामत तक के लिए आम है। अब इस आयत पाक के ज़िम्न में और मसाइल सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत जिसकी है तुम उस अमानत को उस अमानत वाले के सुपुर्द कर दो, हवाले कर दो। ये हुक्म किसको दिया गया है? आम लोगों को या हाकिमों और हुकूमत पर बैठे हुए ओहदेदारों को? ज़ाहिरी एतबार से तो कुरान पाक के अंदाज के एतबार से पता चलता है ये आयत आम है। कुछ हजरात इसको खास भी करार देते हैं मुफस्सरीन में, लेकिन राजे कौल यही है कि आयत आम है। हर शख्स इस आयत के हुक्म में शामिल है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे हुकूमत पर बैठा हुआ कोई ओहदेदार हो। बात समझ में आई? दूसरी बात, हुक्म क्या दिया गया? अगर कोई तुम में से अमीन हो, किसी की अमानत किसी के पास मौजूद हो, तो उसको अदा कर दो। अमानत की अदायगी ये शरीयत में एक अहम तरीन मकाम रखती है, बहुत अहम तरीन शोबा है शरीयत का, अमानत की अदायगी। अब आप खुद यहाँ पर गौर कीजिए, चाबी हजरत उस्मान ने अल्लाह के नबी को दी, हकीकतन ये अमानत नहीं थी, सूरतन अमानत, लेकिन कुरान ने कितना एहतमाम फरमाया कि उस सूरत अमानत को भी हकीकत मानकर उसे वापस करने का हुक्म दिया। और ऐसे जुमले से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अमानत वालों की अमानत वापस कर दो, अहमियत। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की सिफतें बयान फरमाई है, कद अफलहल मुमिनून अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशियून वल्लदीन हुम अनिल लगवी मुरिजून वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फाइलून वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। वहीं पर एक सिफत ये बयान फरमाई, वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। ईमान वाले वो होते हैं जो अमानत, और अगर किसी से अहद कर लेते हैं तो इस अमानत को वापस करने और उस अहद को पूरा करने की पूरी पूरी रियायत करते हैं। क्या पता चला? एक सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की अमानत की अदायगी बतलाई है। कितनी अहमियत, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं शायद ही कोई ऐसा खुतबा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया हो और उसमें ये बात ना कही हो, ला अमानत लिमन ला दीन लिमन ला अमानत ला, कि उस शख्स का दीन बाकी ही नहीं रहता जिसके अंदर अमानतदारी ना हो। हजरत अनस फरमाते हैं बहुत ही कम खुतबे आपको अल्लाह के नबी कैसे मिलेंगे जिसमें अल्लाह के नबी ने यह बात ना कही हो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, इसी तरीके से कई सहाबा इकराम से ये रिवायत कई किताबों के अंदर मनकूल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की कुछ खसलतें और कुछ निशानियां और अलामतें बयान फरमाईं। उनमें एक हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया कि जिस शख्स के अंदर तीन अलामतें और तीन निशानियां पाई जाएं वो तो पक्का मुनाफिक है, और जिनमें से तीनों में से कोई एक पाई जाए तो समझ लो एक निफाक की अलामत पाई जा रही है, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। क्या फरमाया? इदा आहदा गदारा, अहद करे तो तोड़ दे, गद्दारी करे। वही इदा खासम फजरा, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गालम गुलूज करे। वही इदा तुमीना खाना, और अमानत रखी जाए तो उसके अंदर खयानत कर जाए। इसको मुनाफिक की खसलत बतलाया गया है। नबी अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी आप देखिए, पूरे मक्के में आपको पुकारा किस नाम से जाता था? अमीन, सादिक। ये सिफते अमानत अल्लाह के नबी की इतना आला दर्जे की थी, इस खूबी में आप ऐसा मुमताज थे पूरे मक्के के अंदर कि इस
सिफत की बिना पर और इस सिफत की खूबी की बिना पर आपका लकब पड़ गया था मक्के के अंदर अमीन। नबुवत के ऐलान के बाद मक्का पूरा आपका अपोजिट, आपके मुखालिफ, लेकिन उसके बाद भी ये सिफत अमानत आपके अंदर इतना पाए की थी कि दुश्मन बनने के बावजूद भी दुश्मन अमानत आपकी आपके पास ला के रखा करता था। आपने जानता था कि यहां एक कौड़ी का भी खसारा नहीं हो सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इस सिफत अमानत को पूरा करके दिखलाया कैसे, आप देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हो गया, अमानतें लोगों की आपके पास हैं। अगर आप सबकी अमानतें वापस करना शुरू कर देते बुला बुला कर, तो उन्हें शक हो जाता कि कहीं जाना है इन्हें, कहीं ये जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इस बिना पर आपने इसका इजहार भी ना होने पाए और इनकी अमानतें इनके पास पहुंच भी जाएं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और ये फरमाया, ये फला की अमानत है, इसमें इतनी चीज है, ये चीज है। सारे लोगों की अमानतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के हवाले की और ये फरमाया, अली मुझे हिजरत की इजाजत मिल चुकी है, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम मक्के के अंदर ही रहो, मेरे साथ नहीं चलोगे। ये सारी अमानतें जिनकी अमानत है उन तक पहुंचाकर फिर तुम चले आना मदीने। देखिए अमानत की अहमियत, आप देखिए कि शरीयत की नजर में अदायगी। नबी अलैहिस्सलाम ने मौके हिजरत पर भी किसी की अमानत वहां तक ले जाना गवारा नहीं किया, हालांकि आप वहां ले जाकर भी वापस भेज सकते थे या वहां बुलाकर भी दे सकते थे, लेकिन अपने साथ ले जाना भी गवारा नहीं किया अमानत की रकम को। और मैं मक्के के लोगों की अमानतें हैं, यहीं पर तकसीम होनी चाहिए उन तक, हजरत अली को जिम्मेदार बनाया। वाकया लिखा हुआ है हदीस की किताबों के अंदर, गजवाए खैबर का मौका था, यहूदी आबाद थे वहां पर। खैबर का जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुहासरा किया तो ये किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया इन्होंने। मुसलमानों का जो लश्कर था सहाबा इकराम ने पड़ाव डाल दिया उसके इर्द गिर्द। इसी दौरान उस किले से एक यहूदी की बकरी लेकर एक हबशी गुलाम किले से उतरकर चराने के लिए बाहर आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के मजमे को देखकर उसके दिल के अंदर पता नहीं क्या पैदा हुआ, वो सोचने लगा कि चलो देखें तो सही, हैं क्या उन लोग और इनकी दावत क्या है, कहना क्या चाहते हैं ये। सहाबा इकराम तक पहुंच गया और पूछा, भाई तुम्हारा बड़ा कौन है, तुम करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। हजरत सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी का पता दे दिया कि वो फला खीमे में हमारे बड़े बैठे हुए हैं, जाओ वहां बात कर लो। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि इनका सरदार और खजूर के पत्तों का खीमा, कह लगा मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बड़े से मिलना चाहता हूं। कहा अंदर जाओ तो सही, मेरे बड़े वहीं मौजूद हैं। पहुंचा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, पहुंचकर उसने पूछा, भाई आप क्या पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, वहदानियत रिसालत दावत जो अल्लाह की थी वो पहुंचा दी। वो कहने लगा, अगर मैं ईमान कबूल कर लूं तो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हारे साथ भाइयों जैसा बर्ताव करने लगे। कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हैं आप, मैं एक हबशी काला, मेरे बदन से बदबू उठ रही है और ईमान कबूल कर लूंगा तो आप मुझे भाई बना लेंगे अपना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम तुम्हें यकीनन अपना भाई बना लेंगे और ये तुम्हारे कालेपन को अल्लाह गोरेपन में बदल देगा और तुम्हारी जिस्म की खुशबू को बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। ईमान तो कबूल करो तुम। उसने कलमा पढ़ ली,
पूछने लगा अब क्या करूं। उस वक्त ना किसी नमाज का टाइम था कि अल्लाह के नबी कहते नमाज पढ़ लो, न जकात की कोई जिम्मेदारी थी कि कहते जकात अदा कर दो, न हज का मौका था कि कहते हज कर लो। बस एक फरीजा सामने था, वो क्या? जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस एक रास्ता इस वक्त है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। लेकिन इस जिहाद से पहले पहले एक काम तुम्हें और करना है। ये जिस यहूदी की बकरी तुम लेकर चराने के लिए आए हो, ये तुम्हारे पास अमानत है अभी उसकी। हालांकि दुश्मन का माल गनीमत था, ये दुश्मन का माल गनीमत था। अगर आप उसे रोकना चाहते, अपने पास लेना चाहते, तो शरई एतबार से जायज था उस बकरियों को रोक लेना अपने पास। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तेरे हाथ में तो बहरहाल ये चीज अमानत है, जाओ इसे वापस करके आओ। गया बकरियां वापस करके फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। जिहाद शरीक हुआ, उसके अंदर शहीद हो गया। शहादत के बाद जब शहीद होने वालों की लाशों को जमा किया गया तो एक अजनबी सी लाश, सहाबा इकराम का मजमा जमा हो गया। भाई ये तो नया आदमी, हमने पहली मर्तबा इसको देखा, है किसका ये, कोई पहचान नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं पहचानता हूं इसे, और मैं ये देख रहा हूं कि अल्लाह ने इसकी स्याही को रोशनी में तब्दील कर दिया है, और इसके जिस्म से उठने वाली बदबू को अल्लाह ने खुशबू में तब्दील कर दिया है। मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं कि फरिश्ते इसे गुस्ल दे रहे हैं। बहरहाल इस वाक़े को नकल करने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो बकरियां वापस करवाईं और ये फरमाया कि तेरे हाथ में अभी ये अमानत है। इससे आप अंदाजा कीजिए कि शरीयत की नज़र में अमानत की अहमियत कितना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जुमला इस्तेमाल फरमाया वल्ल इन्नल्लाह यामुरुकुम अंतु अद्दुल अमानात। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदा कर दो अल अमानात, अमानतें, अमानत नहीं अमानतें, लोगों की लोगों को। जमा इस्तेमाल किया, जमा समझते नहीं, वाहिद और जमा। ये कुरान पाक का ये जो जुमला है ना, जमा अमानतें, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मफहूम छुपा हुआ है। जमा के सेगे ने यह बतला दिया कि हमारे जहनों के अंदर उमूमी तौर पर अमानत का जो ख्याल और तसव्वुर होता है वो ये होता है कि भाई किसी ने अपना कोई माल या कोई चीज हमारे पास रख दी कि हम बाद में ले जाएंगे, बस अमानत का तसव्वुर यहीं तक होता है। कुरान के इस जुमले ने बता दिया ये ख्याल निकाल दो, आया अमानत का तसव्वुर बहुत वसी है। खुद जिस वाक़े के अंदर ये आयत उतरी है, क्या वहां कोई माल था? चाबी थी खाने काबा की, एक ओहदा था, खिदमत थी एक खोलने बंद करने की, लेकिन कुरान ने उसको भी अमानत करार दिया। तो इस जुमले ने आकर यह बतला दिया कि सिर्फ माल ही किसी का आपके पास हो तो वही अमानत है, ऐसा नहीं। अमानत का मफहूम बहुत वसीय है। हजरात मुफस्सिरीन, हजरात मुहक्किकीन, हजरात उलमा नकल करते हैं कि अमानत का मफहूम इतना वसी है कि सबसे पहले इंसान की अपनी जिंदगी ये खुद अल्लाह की अमानत है। मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा प्यारे मैंने तुझे जिंदगी अता की थी, बता तूने इस जिंदगी को कहां सर्फ किया है, मेरी अमानत थी तेरे पास जिंदगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस सवाल होगा अल्लाह की तरफ से, ये अमानत जिंदगी वाली मेरी तेरे पास थी, तूने कहां इस जिंदगी को खपाया बता। ये पूरा जिस्म अल्लाह की तरफ से अता करदा, जिस्म का हर हर आज़्व अल्लाह की अमानत है। और अमानत है तो क्या मतलब? जो अल्लाह ने उसका मसरब बतलाया है वहीं सर पे होनी चाहिए। आंखें वहीं आपकी उठें जहां शरीयत उठने की इजाजत देती है, हाथ आपके वहीं लगें जहां पर शरीयत लगने की इजाजत देती है, कान आपके वही इस्तेमाल हो जहां पर शरीयत इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, जबान आपकी वही यूज हो जहां शरीयत यूज करने की इजाजत देती हो। खुलासा ये
कि ये पूरा जिस्म अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक अमानत है, आपके जिम्मे अल्लाह ने अमानत दी है। मतलब अल्लाह की नाफरमानी और मासियत के अंदर इस जिस्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना अल्लाह के यहां सवाल हो जाएगा। समझ में आई बात? ये अमानत है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जिस्म। खुदकशी हराम क्यों है? खुदकशी हराम क्यों है? खुदकशी करने वाला जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? कभी गौर किया इस चीज पर? वजह यही है, अल्लाह की अमानत है ये जिस्म। जब अल्लाह ने इस जिस्म को खत्म करने का एक मौका अपनी तरफ से मुतय्यन किया है, फिर आप उस जिस्म को उससे पहले खत्म करके अल्लाह की दी गई इस अमानत के अंदर खयानत कर रहे हैं। इस खयानत की बिना पर आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। इस खयानत होने की बिना पर खुदकशी हराम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर कोई वसीयत कर दे, कोई इजाजत दे दे, कोई आपको हुक्म दे कि तुम मेरे जिस्म को बोटी बोटी कर दो, वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, मेरे जिस्म को जलाकर राख कर देना, दफन मत करना, बिल्कुल इस बात को माना नहीं जाएगा। क्यों भाई? जब खुद वो कह रहा है कि मुझे मार दो, खुद वो कह रहा है मेरी बोटियां बना देना, क्यों नहीं माना जाएगा? वजह यह है कि जिस्म उसका थोड़ी है, ये तो अल्लाह की अमानत है। जब उसका है ही नहीं, वो उसका मालिक ही नहीं, तो उसकी बात कैसी मानी जाएगी उस सिलसिले में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बिल्कुल कतान इसकी इजाजत नहीं होगी कि जो कह रहा है मान लिया जाए, क्योंकि उसका आई नहीं है जिस। ये तो अल्लाह की अमानत है, वो खयानत करवाना चाहता है, खयानत की इजाजत नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जिस्म भी अल्लाह की तरफ से एक, और अगर वही शख्स कह दे कि मेरे पैसे इतने हैं तुम ले लेना उसे, या मैं ये तुझे अपने पैसे का मालिक बनाता हूं, बन जाएगा नहीं बन जाएगा आदमी? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि पैसे की मिल्कियत उसकी थी, जिस्म की मिल्कियत उसकी नहीं है। तो मुहक्किकीन ये फरमाते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को यह सोच लेना चाहिए कि अमानत के मफहूम में इंसान की अपनी जिंदगी, अपना जिस्म भी शामिल है, जिसके बारे में अल्लाह के यहां सवाल होगा कि अमानत तेरे पास थी, तूने इसको कहां खर्च किया, क्यों गलत जगह इस्तेमाल किया, जवाब देना होगा। इसी तरीके से ये अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, इन जिंदगी के अंदर जो लम्हात और जो औकात हमारे सामने हैं, ये जिंदगी के जो शबो रोज, ये 24 घंटे दिन के, और जितने दिन की जिंदगी हुई इतने दिनों में जितने वक्त हमें मिले, ये सारा का सारा वक्त और वक्त का एक एक लम्हा ये अल्लाह की अमानत है। इन सारे लम्हात को अल्लाह की इताअत और उसी की फरमाबरदारी में गुजारेंगे तब तो अमानत अदा होगी, और अगर उससे हटे तो इसके बारे में भी सवाल हो जाएगा कि वक्त मैंने अमानत के तौर पर तुम्हें दिया था, कहां लगाया तूने, कहां खर्च किया उस वक्त को तूने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी तरीके से अगर आप किसी के यहां मुलाजिम हैं, किसी के यहां मुलाजिम है आप, जो काम आपके सुपुर्द किया गया है ये काम अमानत है आपके हाथ में। अगर इस काम के अंदर आपने कमी की तो खयानत की आपने। मसलन आप किसी टेलर के यहां काम कर रहे हैं, एक घंटे के अंदर आप 2 सूट तैयार कर सकते हैं नॉर्मली तौर पर, दिन भर में आप 8 सूट तैयार कर सकते हैं नॉर्मली तौर पर, लेकिन आपने 6 ही तैयार किया, आपने 6 ही तैयार किया, 5 ही तैयार किया, खयानत कर दी आपने। कभी सोचा किसी ने इस मसले पर कि मुलाजिमत का जो काम है, जो फरीजा दिया गया है, अगर किसी के यहां मुलाजिम है तो ये काम आपके हाथ में अमानत है, अगर उसके अंदर कमी कोताही होती तो आप खयानत कर रहे हैं। ये शरीयत है, बहुत पाकीजा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरीके से मुलाजिमत के अवकात,
ये भी अमानत है आपके हाथ में। अगर 8 घंटे की ड्यूटी आपको दी गई है और कोई काम आपको दे दिया गया, तो अब ये 8 घंटे आप चूंकि बेच चुके हैं उस शख्स के हाथ में जिसके आप मुलाजिम हैं, अब इस 8 घंटों का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए आप कर सकते हैं। अगर इस 8 घंटों के अंदर आपने अपना कोई काम किया, गप शप में निकाला कोई वक्त, यार दोस्तों में बातें करने में निकाला कोई वक्त, चाय की होटल में बैठकर वक्त जाए कर दें, अमानत में खयानत कर रहे हैं आप। अमानत है ये वक्त, आप बेच चुके हैं इस चीज को उसके हाथ में। सोचा कभी किसी ने? खयानत होगी, साफ लिखा है उलमा ने। और अगर आपने खयानत किया, तनख्वाह पूरी ले रहे हैं आप, तो उसके अंदर से वो हिस्सा जिन हिस्सों में आपने काम नहीं किया है वो तनख्वाह आपके लिए हलाल नहीं थी। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उलमा लिखते हैं आरियत की चीज, मंगनी की चीज, आप किसी से मांग कर ले आए कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए, जब जितने वक्त के लिए मांग कर ले आए आप फौरी तौर पर उसको उसी टाइम जाकर वापस कर दें, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में क्या है? अमानत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल आरियतु मुअद्दातुन, मांगी हुई चीज का हक है कि उसे वापस किया जाए। और यहां बहुत सारे लोग मांगते ही इसीलिए, देना थोड़ी है, देने के लिए लिया था क्या? एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा हजरत क्या हाल है? कहने लगे अरे पूछो मत, बड़ा बुरा हाल था, बस बच गया ये कह लो। कहा क्यों? कहा एक साहब से सुई मांग के ले आया था आरियतन और मैंने वापस नहीं किया था, उसी में फंस गया था, वो तो गाड़ी निकल गई वरना फंस गया था उसी के अंदर। बताइए एक सुई के साथ ये मामला हो रहा है, आरियतन मांगी थी वापस नहीं किया था, और आज पता नहीं क्या क्या हजम कर जाते हैं हम मांगी हुई चीज। ये आरियत जो चीज आप लेकर आए आरियतन, ये अमानत है। और इतना और ध्यान में रखिएगा, मांगी हुई चीज आप अगर लेकर आए हैं तो इसे तो वापस करना ही है, अमानत है आपके हाथ में। आपको किसी ने कोई चीज मांगने पर दिया है और मांगते वक्त आपने ये कहा ये काम हमें करना है इससे, तो जिस काम के लिए आप मांग कर ले आए आप उस चीज को उसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीज में इस्तेमाल करना ये खयानत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप गाड़ी मांग कर ले आए किसी से, बड़े फड़ा अल्लाह वाले आए भी उनको हम एयरपोर्ट तक छोड़कर आए जाएंगे, अब वो एयरपोर्ट तक छोड़कर फिर लाकर उसे गाड़ी वापस करना है, एयरपोर्ट तक छोड़ के कहने लगे चलो वाशी मार्केट भी देख लेते हैं इसी बहाने, ये नाजायज है, ये खयानत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे, ये हजरत की अकाबरीन की जमात ऐसी थी कि इनको देखकर सहाबा इकराम की जमात याद आ जाया करती थी। हजरत मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं, इनके साहबजादे हैं, कि वालिद वाजिद का मैंने अमानत के सिलसिले में इतना एहतमाम देखा है कि जिस कमरे में हजरत वाला अब्बा हुजूर रहा करते थे उस कमरे की चीजों को तो कहते थे ये मेरी है, और घर की बकिया सारी चीजों को हजरत वालिद माजिद ने कह दिया था ये मैंने अपने बीवी को इसका मालिक बना दिया है, यानी आपकी वालिदा मोहतरमा को। अब होता ये था कि अगर हजरत के कमरे के अंदर, अब्बा के कमरे के अंदर किचन का कोई बर्तन खाने का पहुंचता, हालात ऐसे हो गए थे बाद में ऐसे बीमार थे कि पलंग पर ही खाना खाने की नौबत आ गई थी, वहीं कमरे के अंदर खाना पहुंचाया जाता था, वहीं नमाज पढ़नी पड़ जाती थी, इतना कमजोर हो गए थे, ऐसी बीमारी लायक हो गई थी, तो किचन से अगर बर्तन खाने का वहां पहुंचता, खा चुकते तो हुक्म देते फौरन ले जाकर किचन के अंदर पहुंचाओ, कभी हम लोग किसी दूसरे काम में लग जाते, ताखीर हो जाती तो नाराज होते, ये मेरी बीवी की अमानत मेरे पास रखी, अगर मैं मर गया, इंतकाल हो गया, लोग ये समझ बैठे कि ये मेरी चीज है और इस अमानत को वापस ना किया तो तुमको क्या फिक्र है, जवाब तो मुझे अल्लाह के यहां देना होगा। किचन का बर्तन अगर थोड़ी देर रह जाता घर उनका, लेकिन कहना यह था कि मैंने इस कमरे के अंदर जितनी चीजें उसके अलावा बकिया चीजों का मालिक बीवी को बना दिया है,
अब किचन की भी सारी चीजें बीवी मालिक है, लिहाजा मेरे पास उतनी ही देर रखो जितनी देर काम है उसका, फौरन पहुंचाओ खाना खाने के बाद वो बर्तन वहां पर, ताकि मेरी मौत अगर इस हालत में आ जाए तो मेरे पास किसी की अमानत ना रहे, और अगर किसी ने उसको मेरा समझ के मेरी चीजों के अंदर शामिल कर दिया तो जवाब तो मुझे अल्लाह के यहां देना होगा। आप गौर कीजिए कितना एहतमाम किया है हमारे बुजुर्गों ने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि लोग दूसरों के यहां जो खुशी में या किसी और मौके पर खाने भेज देते हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं लगता है, जिनके यहां खाना भेजा जाता है उनके ऊपर। खाना आता है तो उनको चाहिए कि फौरन बर्तन खाली करके वापस कर दे। अब बेचारा खाने भी भेजा और बर्तन भी उसका रख लिया तुमने, ये अमानत है उसकी। बहुत नाराज होते थे कि भेजना ही नहीं चाहिए किसी के घर खाना, समझ आए, किसी की अमानत न रह जाए आपके पास। बहरहाल इसका मफहूम बहुत वसी है, कुछ बातें इंशाल्लाह कल आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ फरमाइए अल्लाह कुरान पाक की सही सबन नसीब फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتي يا رب. سلام عليكم. اچھی آپ کی نہیں میری